यू आर वॉचिंग बिट बिजनेस न्यूज। हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोजाना क्रिप्टो न्यूज देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस। सोलाना अपने नेटवर्क को रिस्टोर कर लेता है, लेकिन बड़े वैलिडेटर्स अभी भी संघर्ष करते हैं। अमेरिका स्थित टॉप कंपनी रूम टू गो अब शिबा इनू को पेमेंट मेथड की तरह एक्सेप्ट करेगी। सितंबर में 1.74 बिलियन शिबा इनू टोकन्स को बर्न किया गया। पिछले 24 घंटों में 268 मिलियन और 257 मिलियन एक सिंगल ट्रांजैक्शन में। नेक्सो लेबल्ड वॉलेट मेकर डीएओ से रैप्ड बीटीसी में 153 मिलियन डॉलर्स को विड्रॉ करता है। कार्डानो बेस्ड मीम कॉइन 17% से बढ़ जाता है और चार्ल्स होस्किंसन के हिसाब से ये इस वीक का मोस्ट एंगेज्ड प्रोजेक्ट है। फेडरल रिजर्व गवर्नर का ये कहना है कि क्रिप्टो एक्टिविटीज एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इश्यूज को रेज करती है। ओपनसी ने कई अजुकी एनएफटी टोकन्स को डीलिस्ट कर दिया। ब्रिटेन में बाजार की अनसर्टेनिटी के साथ बिटकॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है। वीचेन बिटकॉइन में 535 मिलियन डॉलर्स होल्ड करता है। कॉस्मोस इंटरचेन के थ्रू अपना खुद का नेटिव यूएसडीसी टोकन लॉन्च करेगा। यूनिस्वॉप 1 बिलियन डॉलर के इवैल्यूएशन पर 200 मिलियन डॉलर रेज करना चाहता है। अब यूएस के इंस्टाग्राम और फेसबुक यूजर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म एनएफटी शेयर कर सकते हैं। एक प्रमुख नेटवर्क आउटेज से पीड़ित होने के बाद सोलाना ब्लॉकचेन कथित तौर पर बैकअप और सफलतापूर्वक चल रही है। एक गलत कॉन्फ़िगर किए गए नोट ने पूरे नेटवर्क को बंद कर दिया था। हालांकि सोलाना ने साल भर में शटडाउन की एक श्रृंखला को सहन किया है। सोलाना ने सूचित किया था कि उसका नेटवर्क लेनदेन को सहायता देने के लिए सक्षम नहीं है। तुरंत डेवलपर्स ने समस्या का निदान किया और नेटवर्क को वापस शुरू कर दिया है। कैनिन थीम वाली क्रिप्टोकरेंसी शिबा इनू को अपनाना हाल ही में तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया के अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी भुगतान प्रदाता बिटपे ने यह कहा है कि शिबा इनू धारक यूनाइटेड स्टेट्स में तीसरी सबसे बड़ी फर्नीचर निर्माता रूम टू गो के फर्नीचर खरीदने के लिए अपने शिबा इनू टोकन्स का इस्तेमाल कर सकती है। शिबा इनू समुदाय ने सितंबर में 1.74 बिलियन शिबा इनू टोकन्स को बर्न कर दिया है। पिछले 24 घंटों में 268.16 मिलियन और एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 256.49 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को नष्ट कर दिया है। शिबबर्न ने हाल ही में सितंबर में शिबबर्न के बारे में जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार समुदाय के निवृत्त वाली बर्न पहल ने पिछले 30 दिनों में इन्फर्नो वॉलेट्स में कुल 1.7 बिलियन शिबा इनू टोकन्स भेजने के लिए 382 अलग अलग ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल किया। बाजार विशेषज्ञों द्वारा रेगुलेशंस, दबाव और इन्वेस्टर्स की चेतावनी के कारण नेक्सो की कीमत में 50% से अधिक की गिरावट आई है। कुछ ही दिनों बाद नेक्सो 0x8FD के रूप में लेबल किए गए क्रिप्टो वॉलेट पते ने 7,758 रैप्ड बिटकॉइन को वापस ले लिया, जिसकी कीमत 153 मिलियन डॉलर्स होती है। चार्ल्स होस्किंसन ने कार्डानो नेटवर्क पर आधारित टॉप क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में रीट्वीट किया, जिन्होंने पहले 7 दिनों में विभिन्न सोशल मीडिया पर अपने अधिक जुड़ाव प्राप्त किए हैं। मीम टोकन हॉस्की ने टॉप पर आते हुए डिजिट स्टेबल करेंसी को पीछे छोड़ दिया है और सबसे बड़ी भागीदारी वाला प्रोजेक्ट बन गया है। फेडरल रिजर्व के गवर्नर मिशेल ने स्वीकार किया है कि क्रिप्टो करेंसी से विकास के बावजूद वे चिंता का विषय है, खासकर बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में। बावेल के अनुसार क्रिप्टो करेंसी कई मुद्दे को उठाती है और कई टेक्निक्स को समझ और उभरती हुई टेक्निक्स को समायोजित करने के लिए रेगुलेटेड दृष्टिकोण तैयार होना चाहिए। उन्होंने ये 30 सितंबर को इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कहा। एनएफटी के प्रमुख कैरेक्टर अजुकी ने सप्ताह का अंत खराब टर्म्स में किया है, क्योंकि ओपनसी कथित तौर पर आज अपने कई कलेक्शन वस्तुओं को हटा दिया है। रीजन की अभी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि यूजर्स अब बाजार में टोकन की बिक्री में भाग नहीं ले सकते हैं। कॉइनशेयर की टीम द्वारा साझा किया गया था और इस सप्ताह के शुरू में यूके में बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम पर प्रकाश डाला गया था कि वॉल्यूम में इंक्रीज देखा गया है, जबकि ब्रिटिश बॉन्ड में गिरावट आई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम केवल 900 मिलियन डॉलर से कम हो गया था, जो कि 2 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। यह अभी क्लियर नहीं है कि ब्रिटेन में ट्रेडिंग वॉल्यूम बिटकॉइन का क्यों बढ़ गया था।